जयपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को अपने गानों और अपने फैंस पर इतना यकीन है कि वो किसी भी मौके पर कभी भी कोई भी एल्बम लेकर आए तो ये फिक्स है कि वो सुपर डुपर हिट हो जाएगा। फिर वो चाहे उनके सामने अक्षरा खड़ी हो या फिर खड़े हों उनके बड़े भाई दिनेश लाल यादव निरहुआ। जी हाँ, दिनेश लाल यादव निरहुआ को वो अपना बड़ा भाई मानते हैं और अक्षरा सिंह कभी उनके दिल की धड़कन रह चुकी है। दोनों ने इस बार यानी कि अक्षरा और निरहुआ ने एक एल्बम निकाला जिसका नाम था बदला पूरा भइल। ये एल्बम हमारी हिंदुस्तानी सेना द्वारा किए गए पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक पर बेस था। और ठीक कुछ दिनों बाद पवन सिंह का एक एल्बम आता है अभिनंदन का अभिनंदन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इन दोनों में तो कोई समानता नहीं है और हम समानता ढूंढने चले हैं। हम आपको बताते हैं कि इन दोनों एल्बम में क्या समानता है। समानता किसी और चीज की नहीं है, यहाँ तुलना पॉपुलैरिटी की जा रही है। जी हाँ, पवन सिंह की पॉपुलैरिटी अक्षरा और निरहुआ दोनों के मिलाकर भी पॉपुलैरिटी से कहीं ज्यादा है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए जहाँ पवन सिंह के इस एल्बम ने यानी कि अभिनंदन का अभिनंदन ने महज एक दिन में 33 लाख व्यूज हासिल किए हैं। वहीं अक्षरा और निरहुआ दोनों के साथ गाया हुआ एल्बम बदला पूरा भइल ने तो उससे काफी पीछे है। जी हाँ, इस एल्बम को भी लोगों ने पसंद किया लेकिन उतना नहीं जितना पवन के एल्बम को लोगों ने सराहा है, पसंद किया है। अब तो टिकटॉक से लेकर हर एक म्यूजिकली ऐप पर इस एल्बम को गुनगुनाया जा रहा है, लोगों द्वारा इस पर परफॉर्म किया जा रहा है। खैर, हम आपको इसलिए ये बता रहे हैं कि आज पवन सिंह की पॉपुलैरिटी भोजपुरी इंडस्ट्री में किस तरह की है आप देख सकते हैं, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री के वो इकलौते ऐसे शेर हैं जो अपने कंधों पर अपनी एल्बम और अपनी फिल्म को हिट कराने का मादा रखते हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए।